Dear students, in the last video lecture, I discussed the syllabus of power electronics. In this video lecture, we are going to start first unit, that is power semiconductor devices. So in this unit, we'll see first the introduction to power electronics. So here we'll see concept of power electronics. Then we'll see scope and applications of power electronics. Then we'll see desired characteristics of controllable switches. And second part of this chapter is power semiconductor switches and their characteristics. So there we'll see power diode, power BJT, power MOSFET, IGBT, SCR, TRIAC and GTO. So in today's lecture, we'll discuss with the above three topics, that is the concept of power electronics, scope and applications and desired characteristics of controllable switches. So let us see the concept of power electronics. यानि कि power electronics की शुरुआत कब हुई और कैसे इसका concept develop हुआ. तो power electronics concept, the concept of power electronics was developed in 1956 in Bell Laboratories. यानी कि Bell Laboratory में power electronics का concept start हुआ और वो 1956 में. इसके बाद power electronic appliances के इतने अधिक applications electrical engineering में आए कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये 21st century जो चल रहा है, इसमें आने वाले कुछ दिनों में हमारा जितना भी electrical utility है उसका 70-80% power electronic equipment से होकर transfer होगा और ये आने वाले चलकर future में ये 100% हो जाएगा. तो power electronics में basically क्या है, हम लोग जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस किए हैं, हमारे पास जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने डायोड पढ़ा था, दोज डायोड्स आर कॉल्ड सिग्नल डायोड्स. सिग्नल डायोड्स, तो सिग्नल डायोड्स क्या है, सिग्नल डायोड्स कहा जाता है कि लो पावर रेटिंग, लो पावर रेटिंग, जिसका कि पावर रेटिंग लो है. पावर रेटिंग लो होने का मतलब करेंट भी लो है मिली एम्पियर, और पावर भी हमें क्या मिलेगा मिली वाट में मिलेगा या अप टू फ्यू वाट्स मिलेगा. सिमिलरली हम लोग यहां पर सिग्नल ट्रांजिस्टर को देखेंगे, वैसा ट्रांजिस्टर जो कि मिली एम्पियर मिली वाट में वर्क कर रहा है. इसी तरह से यहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में टर्म आया पावर डायोड का, पावर डायोड. तो अब देखते हैं पावर डायोड क्या है. पावर डायोड बतलाता है कि एक वैसा डायोड जिसका कि काफी हाई पावर रेटिंग है. हाई पावर रेटिंग, हाई पावर रेटिंग कितना है, तो हाई पावर रेटिंग अगर हम देखें तो ये करंट एम्पियर्स में है और इसको अगर हम देखें तो अप टू मेगावाट हमें पावर रेटिंग अवेलेबल है. अप टू किलोवाट मेगावाट पावर रेटिंग्स हमें अवेलेबल है. हालांकि वो एक डायोड का नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे डायोड्स को सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमें मेगावाट्स में अचीव कर पाते हैं. तो ये रहा हमारा पावर डायोड. तो दूसरी बात, जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग चीजों को डील करते हैं, तो इन सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स वी डू नॉट फोकस ऑन एफिशिएंसी, वी वर्क ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. बट इन द केस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट मीन्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वी ऑलवेज वर्क ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी. आवर टारगेट इज टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने का मतलब क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने का मतलब है कि जो हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज यूज कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके अक्रॉस पावर लॉस मिनिमम, उसके अक्रॉस पावर लॉस मिनिमम. तो उसके अक्रॉस पावर लॉस कैसे मिनिमम होता है, हम लोग इस चीज को देखते हैं. हम ये स्टेटमेंट बतला रहे हैं कि पावर लॉसेज आर मिनिमम अक्रॉस पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज. तो वो पावर लॉस मिनिमम कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं. देखिए, हमारे पास
इस स्टेटमेंट को नोट करिए, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यूज्ड एज ए स्विच। जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होगा, मान लेते हैं पावर बीजेटी होगा, सो दैट बीजेटी विल बी यूज्ड एज ए स्विच ऑनली। स्विच का मतलब क्या है? स्विच का मतलब दो कंडीशन होगा, पहला ऑन होगा, दूसरा ऑफ होगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। अब जब कोई भी स्विच हमारे पास है, ये हमारा स्विच है और ये स्विच मान लेते हैं ऑन है, ये स्विच हमारा ऑन है, ये स्विच जब ऑन है इसके अक्रॉस करंट क्या होगा? मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? इस स्विच के अक्रॉस V विल बी इक्वल टू जीरो। इफ द स्विच इज आइडियल देन V विल बी इक्वल टू जीरो। सो पावर लॉस कितना होगा? पावर लॉस अक्रॉस द स्विच विल बी V इंटू I, so it will be equal to zero ideally. So if it is practical switch, suppose there is a voltage drop of 1 or 2 volt, so still the power loss will be very less. Similarly, now when switch is off, so जब हमारा स्विच ऑफ रहेगा, ऑफ का मतलब क्या है? ये ओपन रहेगा, ओपन का मतलब करंट क्या है? जीरो, करंट इज इक्वल टू जीरो। अब इस स्विच के अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज अपीयर हुआ हो, वोल्टेज रहेगा लेकिन करंट जीरो। अगेन फ्रॉम हियर पावर लॉस विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि जो भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हम लोग यूज कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज का पावर लॉस बहुत ही कम है, इसलिए हमें काफी हाई एफिशिएंसी अचीव हो रहा है, काफी हाई एफिशिएंसी अचीव हो रहा है। यहीं पर अगर हम सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सो इफ यू टॉक अबाउट सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स यू सी दैट यू आर यूजिंग द ट्रांजिस्टर, सपोज यू आर यूजिंग बीजेटी, so you see that you are using BJT as an amplifier, BJT को as an amplifier use करते हैं वहां पर, amplifier के तरह use करने का मतलब आप वहां पर transistor को active region में operate करा रहे हैं, और यहां पर क्या करते हैं, या तो off रहता है या on रहता है, off रहने का मतलब है cut off region, और on रहने का मतलब है as a short circuit के तरह work करेगा, इसका मतलब saturation mode में काम कराते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप स्विचेस को यूज कर रहे हैं वो आपका या तो कट ऑफ में चल रहा है, कट ऑफ रीजन, या फिर दूसरा है हमारा सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन। तो इसमें हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्कोप की बात करें, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप बहुत ही ज्यादा है, तो इसमें से जो एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशंस को कुछ कैटेगराइज किया गया है। सो वी हैव डिवाइडेड द एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन मेनली 7 कैटेगरीज। हालांकि इसके बियॉन्ड भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के दिनों दिन हो रहे हैं। फर्स्ट इज एरोस्पेस। तो एरोस्पेस में देखिए कहां कहां एप्लीकेशंस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। Applications in space shuttle power supplies, satellite power systems, third is aircraft power systems. Next, second है commercial applications. तो commercial applications में देखिए heating, air conditioning, central refrigeration, uninterrupted power supplies, that is UPS. तो इस तरह के different applications इसके commercial applications में आते हैं। तीसरा है हमारा इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में देखिए आर्क फर्नेसेज में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है, ब्लोअर्स, फैंस, पंप्स, मिल्स, हर तरीके का चीजों में जितने भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं सब में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग यूज किया जाता है। फोर्थ वन इज रेसिडेंशियल एप्लीकेशंस। तो रेसिडेंशियल एप्लीकेशंस में हमारा एयर कंडीशनिंग है, हमारे पास कुकिंग का मशीन है, लाइटिंग्स है, ड्रायर्स, फैंस, पर्सनल कंप्यूटर्स, लाइट डिमर्स, इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहां पर की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है। नेक्स्ट इज टेलीकम्युनिकेशन। तो इन टेलीकम्युनिकेशन, इन बैटरी चार्जर्स, पावर सप्लाईज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आर यूज्ड। नेक्स्ट सिक्स पार्ट इज
ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में मेनली आप देखेंगे कि जो बैटरी का चार्जर होता है उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है। सेवन है हमारा यूटिलिटी सिस्टम्स, जो हमारा इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी सिस्टम्स है, इसमें सबसे ह्यूज एप्लीकेशंस है एचवीडीसी में, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर डीसी पावर को ट्रांसफर कराते हैं और लास्ट एंड पर डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट कराया जाता है। तो देन वी आर यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स देयर इन एचवीडीसी, तो एचवीडीसी में हमारा इसका यूज है। दूसरा है वार कंपनसेशन, यानी कि पावर सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन्स में जब हमें रिएक्टिव पावर्स देना पड़ता है कंपनसेशन के लिए, तो उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं। नेक्स्ट, यहां पर जो भी हमारे पास चाहे वो सोलर प्लांट हो, विंड प्लांट हो, उसको जब हम ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस यानी कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो ऑल्दो द एप्लीकेशंस आर नॉट लिमिटेड टू दिस वन ओनली, लेकिन ये एक आपका आइडिया है कि इस तरह के डिफरेंट जगहों पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलेबल स्विचेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलेबल स्विचेस इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलेबल स्विचेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलेबल स्विचेस, तो देखते हैं जो कंट्रोलेबल स्विचेस, यानी कि अभी हमने बतलाया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को एज ए स्विच यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो स्विच का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो मैं सबसे पहले बतला रहा हूं कि मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्विचेस, पहला हेडिंग दीजिए यहां पर मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्विचेस। तो देयर आर मेनली फोर मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्विचेस, सो लेट अस राइट, फर्स्ट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सेकेंड इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, सेकेंड इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, थर्ड इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, थर्ड इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड एंड फोर्थ वन इज रिवर्स कंडक्शन मोड, फोर्थ वन इज रिवर्स कंडक्शन मोड। अब हम लोग इन चारों मोड्स को समझते हैं, ये चारों मोड्स क्या है। देखिए हम लोग एक स्विच को ले रहे हैं, लेट अस टेक ए स्विच, और जो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को एज ए स्विच यूज करेंगे, तो हमारे पास ये एक हमारा स्विच है, दिस इज ए स्विच एंड दिस इज एनोड टर्मिनल, दिस इज कैथोड टर्मिनल, दिस इज स्विच, दिस इज एनोड टर्मिनल, दिस इज कैथोड टर्मिनल एंड एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल। क्लियर। अब हमें यहां पर चारों मोड्स को देखना है कि चारों मोड्स क्या क्या है। पहला देखिए, हम लोग एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहां पर मैं एक वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग ए वोल्टेज हियर, और यहां पर वोल्टेज का डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव एनोड की तरफ अप्लाई किए, निगेटिव कैथोड की तरफ अप्लाई किए। सपोज ये 100 वोल्ट का बैटरी है, क्लियर। लेकिन हमारे पास जो ये कंट्रोलेबल स्विच है, हो सकता है कि यहां पर बीजेटी लगा हुआ हो या कोई भी और स्विच लगा हुआ हो, उन सारे स्विचेस को हम लोग देखते हैं। अब ये स्विच क्या कर रहा है कि हमारे पास 100 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया गया, निगेटिव निगेटिव कनेक्ट किया गया, दैट मीन्स ये स्विच अभी क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, और ये स्विच हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, फिर भी हम देख रहे हैं कि ये स्विच अभी भी हमारा ओपन ही है, यहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आई इक्वल टू जीरो, यानी कि हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बट स्टिल करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस
switch. So this mode will be called forward blocking mode. That means here the switch is blocking the forward voltage. So let us draw an IV characteristic here. Here we can understand all the four modes. This is current, this is voltage. So here what it is saying, you have the voltage 100 volt and current is 0. तो 100 वोल्ट और करंट जीरो का अगर हम शो करेंगे तो इधर देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा और करंट क्या है जीरो. करंट जीरो यानी यही पॉइंट हमारा क्या बताएगा, इसको मान लेते हैं वीएफ फॉरवर्ड वोल्टेज, करंट जीरो. ये रहा हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दिस इज आवर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. नेक्स्ट कम टू सेकेंड पार्ट, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को कैसे शो करेंगे, देखिए ये हमारे पास स्विच है. अब हम मान लेते हैं कि जो हमने एनोड और कैथोड के अक्रॉस वोल्टेज लगाया Vf, V फॉरवर्ड वोल्टेज, ये हमारा करंट फ्लो करने लगा. दिस करंट स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू दिस वन. मान लेते हैं यहां पर एक रेजिस्टेंस भी रहा होगा, ऑफकोर्स एक रेजिस्टेंस आपको शो कर देना चाहिए. अब देखिए यहां पर कोई वोल्टेज वी था, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस के होकर क्या करने लगा. ये स्विच हमारा ऑन है, इस स्विच जब हमारा ऑन है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है और इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है. ये करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वन. लेकिन अब यहां के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, ये स्विच देखिए ये स्विच शॉर्ट सर्किट हो चुका है. सो पोटेंशियल अक्रॉस दिस स्विच विल बी जीरो, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होगा जीरो, बट करंट इज मैक्सिमम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वन. तो हम क्या समझ रहे हैं कि जो दूसरा मोड है इसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है. सो दैट इज योर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को कैसे लिखनाएंगे हम लोग डायग्राम में, देखिए जीरो वोल्टेज जीरो है, करंट मैक्सिमम, तो आपका क्या होगा कुछ यहां पर आएगा वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम. तो इसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, दिस विल बी कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. पहला हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सेकेंड इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, सेकेंड इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. अब थर्ड देखते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. अब रिवर्स में क्या कह रहा है, यू हैव ए स्विच, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, नाउ यू आर अप्लाइंग ए रिवर्स वोल्टेज, नाउ यू आर अप्लाइंग ए रिवर्स वोल्टेज वी आर. If you are applying a reverse voltage, again, what you are going to show? You are going to show that this is reverse blocking mode. So, blocking mode means what? Again, current will be zero. I will be zero. I will be zero, but voltage will be VR. तो यहां पर क्या हो चुका है आप देखिए, यहां आपने वोल्टेज का चुकी डायरेक्शन बदल दिया, तो ये आपका क्या हो रहा है, यहां पर एक्चुअली कितना वोल्टेज अपीयर होगा, माइनस VR. तो माइनस वी आर का मतलब क्या हुआ, इस तरफ करंट जीरो, तो ये पॉइंट होगा माइनस वी आर का. तो ये देखिए हमारा जो तीसरा पार्ट है ये हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, थर्ड पार्ट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. नेक्स्ट कम टू फोर्थ पार्ट, ये हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. नेक्स्ट कम टू फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हम क्या मानते हैं कि यहां पर देखिए हमने इसको दिया, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में ही हमारा कंडक्ट कराने लगा एनोड कैथोड, ये रिवर्स डायरेक्शन में स्विच हमारा ऑन है, कंडक्ट कराने लगा. अब देखिए निगेटिव करंट यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, द वोल्टेज अक्रॉस दिस स्विच विल बी इक्वल टू जीरो वोल्ट. हियर यू आर अप्लाइंग ए वीआर वोल्टेज, सो द वोल्टेज विल बी मेनली अपीयर्ड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, सिंस द स्विच इज आइडियल सो हियर वीआर विल बी जीरो. तो वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो का मतलब ये करंट एक्सिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट इज नेगेटिव हियर, दैट मींस फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो नेगेटिव करंट का मतलब कुछ यहां होगा, नेगेटिव करंट का मतलब कुछ यहां होगा. ये चौथा मोड है हमारा रिवर्स कंडक्शन मोड, दिस इज रिवर्स कंडक्शन मोड. तो ये चारों मोड्स हमें दिखने को मिल गए. अब जो ये चारों मोड्स के लिए ये पॉइंट्स हमने बनाया है, दीज पॉइंट्स आर फॉर आइडियल स्विच ऑनली. सो नाउ सपोज द स्विच इज नॉट आइडियल, इफ यू आर टेकिंग ए प्रैक्टिकल स्विच, देन फॉर प्रैक्टिकल स्विच व्हाट विल बी द वोल्टेजेस. तो देखिए प्रैक्टिकल स्विच में क्या होता है, पहला केस में देखते हैं.
पहला केस में हमने क्या किया है कि आई करंट जीरो। अब प्रैक्टिकल होगा तो क्या होगा, प्रैक्टिकली कुछ मिली एम्पियर का करंट इस स्विच से होकर फ्लो करेगा, तो मिली एम्पियर करंट का मतलब क्या हुआ, आप देखिए यहां पर ये था वोल्टेज 100 वोल्ट एंड करंट 0 एम्पियर। अब मान लेते हैं मिली एम्पियर का करंट होगा, कहीं कहीं पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 मिली एम्पियर हो, ये पॉइंट यहां शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर। तो यानी कि ये जो क्रॉस है ये क्रॉस दिखा रहा है आइडियल को, और ये डॉट दिखला रहा है प्रैक्टिकल को, डॉट दिखला रहा है प्रैक्टिकल को, क्लियर। सिमिलरली इस केस में यहां पर देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आइडियली द वोल्टेज इज जीरो, बट प्रैक्टिकली देर विल बी सम वोल्टेज ड्रॉप, सो देर विल बी सम पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप, दैट मीन्स योर प्रैक्टिकल पॉइंट विल बी हियर। कम टू थर्ड पार्ट, इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड आइडियली इट इज शोइंग द रिवर्स करंट इज जीरो, बट प्रैक्टिकली देर विल बी सम रिवर्स करंट इन मिली एम्पियर, सो हियर यू विल हैव टू शो लाइक दिस वन। नेक्स्ट कम टू फोर्थ पार्ट, हियर इट इज यू आर शोइंग दैट प्रैक्टिकली द वी आर इज जीरो, बट हियर आइडियली वी आर इज जीरो, बट प्रैक्टिकली देर विल बी सम निगेटिव वोल्टेज, सो इफ देर विल बी सम निगेटिव वोल्टेज मे बी मिली वोल्ट और वन वोल्ट, सो इट विल शिफ्ट हियर, सो दिस इज प्रैक्टिकल एंड दिस इज आइडियल। सो दिस इज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्विचेस। हमने देख लिया कि चार मोड्स में स्विच ऑपरेट कर रहे हैं, वो चारों मोड्स का कैरेक्टरिस्टिक ये आएगा कहीं ना कहीं। अब हम लोग पूरा कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, जब हम लोग कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे स्विच का, तो देखिए कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक हमारा किस तरह से आएगा सभी अलग अलग मोड्स में। पहला मैं ड्रॉ कर रहा हूं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड अगर हम देखें तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, आपने देखा कि दिस इज वी दिस इज आई, यहां से देखिए वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किए, करंट क्या होगा जीरो 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 जीरो, इस तरह से करंट बढ़ता गया, इस तरह से करंट क्या रहा ऑलमोस्ट जीरो ही रहा, और वोल्टेज हमारा क्या हुआ वोल्टेज को बढ़ाते गए। अब मान लेते हैं एक टाइम आ रहा है कि फॉरवर्ड कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, फॉरवर्ड कंडक्शन का मतलब क्या है, अब आप फर्दर वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा वो शॉर्ट हो जाएगा और करंट आपका बढ़ता जाएगा, करंट आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का मतलब है कि ये स्विच आपका शॉर्ट हो चुका है, स्विच शॉर्ट होने का मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन करंट क्या होगा करंट आपका बढ़ता जाएगा, वोल्टेज जीरो और करंट इस तरह से, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ये हो गया फॉरवर्ड कंडक्शन। तीसरा हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग, तो रिवर्स ब्लॉकिंग यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के ठीक अपोजिट ये हो जाएगा हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। फोर्थ वन फॉरवर्ड रिवर्स कंडक्शन, तो फॉरवर्ड कंडक्शन के ठीक अपोजिट ये हो जाएगा रिवर्स कंडक्शन मोड, रिवर्स कंडक्शन मोड। यानी आप देखोगे इस एरो के साथ भी आप यहां पर दिखला सकते हो इस कैरेक्टरिस्टिक को, ये हो गया हमारा चारों कैरेक्टरिस्टिक, क्लियर, ये हो गया हमारा चारों कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा स्विच है, वो स्विच हमारा चारों मोड में ऑपरेट कर रहा है, हमारे पास मान लेते हैं कोई एक स्विच है, वो स्विच हमारा चारों मोड्स में ऑपरेट कर रहा है, क्लियर। सपोज दिस इज द स्विच एंड हियर यू आर कनेक्टिंग ए सप्लाई, यू आर कनेक्टिंग ए साइनोसॉइडल एसी सप्लाई अक्रॉस दिस स्विच, दिस इज एनोड दिस इज कैथोड। तो जब हम लोग ये अप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर जो सप्लाई होगा ये सप्लाई किस तरह से होगा, ये होगा हमारा सप्लाई वी आई इनपुट सप्लाई, वी आई इनपुट सप्लाई इसका कर्व यही आएगा, एक साइनोसॉइडल कर्व, दिस इज ओमेगा टी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये स्विच को आप कंट्रोल कर रहे हैं, सपोज यू आर कंट्रोलिंग दिस स्विच, वो भी स्विच को आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो वो भी आप देखो, यहां पर मैं इस कर्व को फिर से बना रहा हूं, इस स्विच को आप इस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, आपने कहा चलो यहां तक ऐसे चल रहा था, आप कह रहे हो कि इस पॉइंट तक यानी यहां से यहां तक आप स्विच को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यहां से यहां स्विच को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में दिखला रहे हैं,
यहां से यहां स्विच को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में दिखला रहे हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब होगा कि यहां पर जो आपका वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज हम लोग दरअसल यहां पर करंट का ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारा देखिए, ये इनपुट वोल्टेज है और ये मैं करंट का ग्राफ बना रहा हूं। ये इंस्टेंटेनियस करंट जो इसे फ्लो कर रहा, इस इंस्टेंटेनियस करंट का ये कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या होगा? करंट जीरो, कुछ भी फॉरवर्ड वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, करंट जीरो। करंट जीरो मतलब ये कर्व यहां से इस तरह से चलेगा। अब इस पॉइंट पर आया, अब इस पॉइंट पर आपको कह रहा है यहां से यहां आपको चलाना है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का मतलब क्या होगा? ये इस तरह से स्विच क्लोज हो जाएगा। व्हेन द स्विच विल बी क्लोज्ड अगेन द करंट विल बी हाईएस्ट। तो करंट विल बी हाईएस्ट, इसका मतलब क्या है? जो साइनसॉइडल कर्व यहां इस तरह से चल रहा है, तो इसी तरह से करंट यहां से यहां आएगा। ये करंट इसी तरह से यहां से आएगा। ये रहा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड कह रहा है अब आपको ये रिवर्स सप्लाई आ रहा है, आपको कह रहा है यहां से यहां तक चलाना है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में स्विच को ऑपरेट कराना है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस पॉजिटिव साइकिल के बाद जीरो टू पाई के बाद क्या होगा? ये सप्लाई रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। व्हेन द सप्लाई विल बी रिवर्स, इसका मतलब क्या हो गया? इस स्विच के अगेंस्ट रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा। और जब इस स्विच के अगेंस्ट रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा, इट मींस यहां पर अब आपको इस वोल्टेज को ब्लॉक कर देना, यानी ये स्विच क्या करेगा? कहेगा चलो हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो स्विच जब इसे ब्लॉक करेगा, इसका मतलब रिवर्स करंट क्या करेगा? फ्लो नहीं करेगा। तो रिवर्स करंट जीरो का मतलब ये रहा ग्राफ, रिवर्स करंट जीरो का। क्लियर? अब आपको कोई क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बचा है इसमें आपको रिवर्स कंडक्शन मोड में चलाना है, यानी कि अब जो है सो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करोगे और ये स्विच क्लोज हो जाए। तो स्विच को जब क्लोज कर दोगे तो क्या होगा? यहां से रिवर्स करंट जाएगा। तो जो करंट का कर्व यहां पर, जो वोल्टेज का कर्व है, उसी को इस तरह से फॉलो करेगा। ये हो गया रिवर्स कंडक्शन, ये हो गया रिवर्स कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर सेमीकंडक्टर यानी पावर डायोड को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्विच वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ चुके होंगे, इसका आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लें।